तो बड़ी अपडेट बताएं आपको, नीलोखेड़ी में दर्दनाक हादसे की जानकारी सामने आई है, जहां पर स्कूल की दीवार गिरने से 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जर्जर हालत होने के चलते ये दीवार गिरी है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, नीलोखेड़ी से सामने आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पर जर्जर हालत के चलते स्कूल की दीवार गिर गई और 7 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में अब इलाज चल रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, नीलोखेड़ी से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ हैं। राजेंद्र बताइए, पूरा मामला क्या कुछ रहा? कैसे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मामला लगभग सवेरे 11 बजे के आसपास का मामला है। तो ये आदर्श संस्कृति स्कूल पड़ता है श्री गुरुद्वारा शीशगंज त्रावड़ी में। जैसे ही वहां पे नगर कीर्तन निकाला हुआ था तो ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर बच्चे छत पर चढ़ गए। छत की जो बाउंड्री थी, जिसको ग्रिल वगैरह कहते हैं, वो कमजोर होने की वजह से वो ग्रिल गिर गई और बच्चे भी नीचे गिर गए, जिसमें लगभग 7 के करीब बच्चे घायल हुए हैं। 2 बच्चों को काफी सर में चोटें लगी हैं, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद त्रावड़ी में उनको कल्पना चावला मेडिकल करनाल में रेफर कर दिया है, जहां पर उनका इलाज चला हुआ है। बाकी जो 5 बच्चे हैं बिल्कुल ठीक है, अब उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, उनको मामूली चोटें आई हुई है। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या दीवार कच्ची थी? जी केसर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्डिंग काफी पहले बनाई गई थी, काफी पुरानी बिल्डिंग है। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जो लेंटर होता है, छत होती है, छत के ऊपर बाउंड्री बनाई हुई थी, वो कमजोर होने की वजह से गिर गई। बच्चों को पता नहीं था, वो जोश में नगर कीर्तन देखने ऊपर चढ़ गए हैं इसकी छत के। जैसे ही बच्चों का दबाव उसके ऊपर पड़ा, उन्होंने हाथ रख के दबाव डाल दिया उस पे, उसके उसके सारे खड़े हो गए बाउंड्री के, वो बाउंड्री नीचे गिर गई कच्ची होने की वजह से, कमजोर थी, जिसकी वजह से बच्चों को काफी चोटें आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाकर रखिए।